तो फाइनली आ चुका है शार्क टैंक इंडिया के अंदर। हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया के सारे शार्क्स और रियलिटी शो के हिसाब से आप बोल सकते हैं जजेस के नेटवर्थ या फिर सैलरी के बारे में। सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया के सबसे पहले शार्क है यहाँ पे अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर फाउंडर मैनेजर डायरेक्टर है भारत पे के। भारत पे के बारे में आपने सुना ही होगा। अश्नीर ग्रोवर और सुष्मित नगरानी ने 2018 के अंदर भारत पे की शुरुआत की थी और न्यू दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। वैसे अश्नीर ग्रोवर मोबीक्विक ऐसी बहुत सारी कंपनीज के अंदर ग्रोथ के पीछे इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी दिल्ली से इन्होंने स्टडी की हुई है और वो 23 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के अंदर एक्टिव इन्वेस्टर है। अगर हम बात करें भारत पे के बारे में तो इनकी रेवेन्यू 2021 के अंदर 700 करोड़ से भी ज्यादा है। अश्नीर ग्रोवर की नेटवर्थ 500 करोड़ से भी ज्यादा 520 करोड़ मानी जाती है। हमारी दूसरी शार्क है विनीता सिंह। विनीता सिंह है सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। 2015 के अंदर इन्होंने कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर शुगर कॉस्मेटिक की शुरुआत की थी और आज इस कंपनी की रेवेन्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा है। और बात करें विनीता सिंह की नेटवर्थ के बारे में तो ये 130 से 150 करोड़ के आसपास मानी जाती है। और फिर आते हैं हमारे पीयूष बंसल। पीयूष बंसल जो है वो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट। लेंसकार्ट के बारे में अब तो आपने सुना ही होगा। 2010 में शुरू हुई इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। आईआईटी बैंगलोर से स्टडी की हुई पीयूष बंसल ने इस कंपनी की रेवेन्यू को 2020 के अंदर 1000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचा दिया है। पीयूष बंसल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ इन्होंने 2010 के अंदर इस कंपनी की शुरुआत की थी और लेंसकार्ट भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू कम करने वाली कंपनी बन चुकी है। पीयूष बंसल की नेटवर्थ 480 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। हमारी नेक्स्ट शार्क है नमिता थापर, जो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की। एमक्योर एक बहुत पुरानी कंपनी है। 1983 से इस कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, जो की पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इनके है। एमक्योर की रेवेन्यू 6000 करोड़ से भी ज्यादा की है। नमिता थापर की नेटवर्थ 600 करोड़ से भी ज्यादा की मानी जाती है। फिर आते हैं हमारे अगले शार्क अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शादी.com। शादी.com के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी एड, बहुत सारी चीजें आपने इनकी देखी होगी। 1997 में इन्होंने शादी.com की शुरुआत की थी। वैसे आपको नहीं बता दो, इस शादी.com की शुरुआत हुई थी सगाई.com से और उसके बाद जो है इन्होंने अनुपम मित्तल ने इसका नेम चेंज करके शादी.com रख दिया था। आज शादी.com के 7 से 10 लाख जितने पेड यूजर्स है और अनुपम मित्तल की नेटवर्थ मानी जाती है 250 करोड़ से भी ज्यादा। और फिर आती है मामा अर्थ की गजल अलग। 2016 के अंदर इन्होंने अपने हस्बैंड वरुण अलग के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। गुरुग्राम में शुरू हुई इस कंपनी ने 2020 के अंदर 150 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू की है और काफी अच्छा ग्रोथ भी हासिल कर रही है। गजल अलग की नेटवर्थ को 217 करोड़ से भी ज्यादा की मानी जाती है। और फिर आते हैं अमन गुप्ता, यानी कि को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ बोट। बोट इंडिया का भी नाम आपने सुना ही होगा। 2016 में शुरू हुई इस कंपनी ने लास्ट ईयर यानी कि 2020 के अंदर 500 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट की है और अब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। अमन गुप्ता की नेटवर्थ 350 करोड़ से भी ज्यादा की मानी जाती है। शार्क टैंक इंडिया के इन सारे शार्क्स की स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग है। क्या आप शार्क टैंक इंडिया देखने के लिए एक्साइटेड है? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए और इसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।